हाँ जी हाँ जी, मेरे वालों सारे भैन भाइयों सलाम होवे, जात का बुजुर्गों ते माइयां नूं सलाम होवे। रेडियो वाला अज कुछ देर खलोवेगा ते ज़ैन दा शो तुसा सुनिया ते होवेगा, बल्कि वेख्या ते होवेगा ते बच्ची बच्ची अज ज़ैन नूं सियाण दी ते शो मैं करना दुनिया सारी जानदी। वेलकम टू बॉल एंटरटेनमेंट, पाकिस्तान का नंबर वन एंटरटेनमेंट चैनल, एंड दिस इज कटाकट शो, जो कि इस वक्त पाकिस्तान की अपनी स्लॉट में नंबर वन है। सबसे पहले मैं आप तमाम लोगों को वेलकम करूंगा, तमाम वो हजरात जिन्होंने या फिर वो खवातीन जिन्होंने इत्तफाकन ट्यून इन कर लिया, तो यकीन जानेगा और भरोसा रखेगा बहुत ही मुलायम ठंडा ठार सिल्की सा इत्तफाक रहेगा। ये वही इत्तफाक है जिसमें वक्तन फवक्तन बरकत होती रहेगी। अगर तो अगरचे किसी बच्चे ने रिमोट पे हाथ मार दिया और आपकी स्क्रीन के सामने मैं नमूदार हो चुका हूं, तो यकीन जानेगा ये दो घंटे बल्कि एक घंटे की अजनबी सी मुलाकात एक नए रिश्ते का सबब बन सकती है। क्या पता फर्स्ट कजन ना सही लास्ट कजन वाली फील तो मैं यहां से देके उठूंगा। और दर हकीकत मेरा जो असल मकसद है वो आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट फैलाना है, आप लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आना ही मेरा मैं चाहता हूं किसी तरीके से। यार ये एक घंटा जो है ना, अगर तो आप सुबह से लेकर अब तक फ्रस्ट्रेशन में डिप्रेशन में शिज़ोफ्रेनिया के मर्ज में मुब्तला हैं, इधर उधर चीज़ें दिख रही हैं, मैं चाहता हूं इस वक्त एक घंटे सिर्फ आपको मैं दिखूं, और मैं अगर दिखूं तो एटलीस्ट लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट ही ले आऊँ। खैर जी, आज की इस नई एपिसोड का स्टार्ट हो चुका है, और आज की इस एपिसोड में क्या क्या होने वाला है फिलहाल जो मैं आपकी एंट्रीज देख रहा हूँ उसके हिसाब से ही होगा। जो होगा अच्छा होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होता आया वो भी अच्छा ही होता आया, और इसी उम्मीद और यकीन के साथ अगले एक घंटे तक मैं यहाँ पर कटाकट बनाने वाला हूँ, जिसमें आप लोगों ने मुझे इंग्रेडिएंट्स दे दिए, बस उस पर ऊपर मसाला और तड़का शड़का लगा के मैं आज का कटाकट पेश करूंगा। और आज मेरे पास तकरीबन 6 से 7 प्लेटें हैं कटाकट की, जिसमें आप लोगों के अपने रिश्तेदार दोस्त फैमिली पड़ोसी जिस जिसके नंबर आपने मुझे दिए हैं, सारी डिटेल्स दी हैं, उन सबका आज मैं बनाने वाला हूँ कटाकट। और उस कटाकट में मेरे साथ मजीद इस किचन के अंदर, मैं किचन कहूंगा इस स्टूडियो को क्योंकि यहाँ पे कटाकट बन रहा है, मेरा साथ देने के लिए मौजूद हैं वी हैव My dear, Dania Kaval and Mohammed Fahad. कैसे हैं आप दोनों? मैं तो बहुत प्यारी हूँ। आप तो माशाल्लाह बचपन से प्यारी हैं, नजर आ रहा है। तिलविल नहीं लगाया, कुछ काला काला नजर का कोई टीका? मैं कपड़े काले पहन के आया। सही किया। नजर न लगे, इतनी प्यारी, मतलब क्या करूँ, क्या कोशिश किया करें कम निकलें घर से। कसम से मैं, मेरा काम ही बस घर से स्टूडियो, स्टूडियो से घर, और कहीं जाना कोशिश करें। मैं बताऊँ, मछली पे दूध पी लें, क्यों फील आएगी एक रिफ्रेशिंग सी। ये वो पूछ रहे क्यों, इतना मासूम सा सवाल है ये कि क्यों। यार ये बहुत अच्छा आदमी है भाई, कैसे हैं आप? इनसे बात शुरू कर देता हूँ ना मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं तो ऐसा हूँ आपके सामने, फुल आज तो रंग बिरंगी हूँ, फुल रंगोली टाइप फील में हूँ आज मैं। अच्छा खैर, आप दोनों को आपको तो एक दफ़ा फिर से मैं वेलकम कहूँगा कटाकट शो की इस नई एपिसोड में। आपके लिए रिक्वेस्ट बहुत सारे आए मेरे पास, जिस तरह लोग हमें नंबर पे टकर कटाकट भेजते हैं, वहाँ पे लोग रिक्वेस्ट भी करते हैं कि हमारे इस फेवरेट टिकटॉकर या इस चैंपियन के कंटेस्टेंट को या इस एक्टर या इस सेलिब्रिटी को देखना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत रिक्वेस्ट आई और इसी वजह से हमने आपको दोबारा बुला लिया। और आपका ये प्यार है कि आप हमेशा हमारे कहने पर कभी आपने मना नहीं किया। बस ये बोल वालों से तो वैसे भी मोहब्बत है, मोहब्बत है, घर की बात है, घर की बात है ना। तो आपको इस घर में फिर से वेलकम करूंगा, और आज आप पहली दफा हमारे शो में आए हैं जी, सो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आके कटाकट हम देखते थे तो ख्वाहिश थी इधर आने की, तो आखिरी ख्वाहिश तो नहीं थी पर आज पूरी होगी, बहुत खुशी हो रही है। तुम रावलपिंडी से ताल्लुक रखते जी? अच्छा, और हमारे शो के लिए स्पेशली आयो? नहीं, मैं चैंपियन लीग में। नहीं मतलब हमारे शो, मतलब बॉल के शो के लिए। बॉल के क्या हो गया, नहीं आया स्पेशली? भाई बॉल का हर शो हमारा है जी, बॉल का हर शो, चैंपियंस लीग गेम शो ऐसे चलेगा, खुश रहो पाकिस्तान, इंस्टा भी कटक, टिकटॉक भी कटक, सब हमारे शो है, ये हमारी फैमिली है यहाँ पे। अच्छा मजीद, तुमसे बातें करनी है मुझे। दानिया, तुमसे तो पहले मैंने बहुत सारी बातें कर ली थी, अब और कर ले। बहुत फड्डे भी हुए थे, और तुम्हारा जो प्रोमो चला था उसके ऊपर लोगों ने बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो गई कि आपने लारेब को क्यों बोला, आपने अभिया को क्यों बोला, दुश्मनियां हो गई, मुझे थ्रेट कॉल आने लगे, लाशें, इंतकाल, खून की नदियां बह गई, क्यों? बल्कि पता है जब प्रोमो रिलीज हुआ था ना, तो आई डिडंट नो कि प्रोमो रिलीज हो गया, पर मैंने अपना डीएम जब खोला ना तो पता चल गया, तो फिर पता लग गया कि प्रोमो रिलीज हो गया। क्या हुआ है और क्या हुआ है उसमें, ये मुझे पता लगे जब जाके मैंने देखा, तो मैंने कहा अच्छा। खैर जी, आज बहुत सारी बातें करने वाले हैं, कटाकट भी बनाने वाले हैं। एक आध हमारा एक सेगमेंट है, मैं चाहता हूँ शुरू में तुमसे बात कर लूँ। अच्छा, कुछ जनरल नॉलेज के सवाल करना चाहता हूँ, कहाँ तक तालीम हासिल की आपने? गालिबा मैंने सेकेंड ईयर कर लिया। किस में? आर्ट साइंस? क्या? साइंस में। साइंस में, ओके। आगे जिंदगी में क्या करना है? आगे यही जिस फील्ड में है। कौन सी फील्ड है ये? मतलब कि टीवी वगैरह पे आने। टीवी की फील्ड? अच्छा, टीवी की मतलब मैकेनिक, टीवी का बनना है? मैकेनिक नहीं बनना, करना है मतलब के टीवी पे आना है, एक्टिंग करनी है। एक्टिंग करनी है। किस तरह का एक्टर बनना है अपने अंदर? सैड।
सुभान अल्लाह, मैं कहता हूँ जिंदगी में नहीं सुना मैंने कोई बंदा बंदा चाह रहा है मैं सैड एक्टर बनना चाहता हूँ। वाह यार, तो सैड एक्टिंग कर लोगे तुम? आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी लगता है। नहीं देखी यार, कसम खुदा की। मैं टिकटॉक मैं इतना यूज नहीं करता। मैं ज्यादातर सैड वीडियोस ही, ज्यादातर सैड वीडियोस। जैसे कि क्या होता है उस वीडियो के अंदर? जैसे कि पोएट्री होगी, सॉन्ग। कोई पोएट्री सुना दो ना। पोएट्री एक आध कोई शेर, सैड सैड शेर। डब्बे में डब्बा के मैंने खुद का तमाशा खुद बनाया है, लोगों ने मुझे क्या गिराना था, मैंने खुद को खुद गिराया है। चलो आजमा के देख लेते हैं अकेले जीना, मैंने दुनिया के हर शख्स को आजमाया। डीप फील्स। ओह माय गॉड, शेर ने मुझे सैड कर दिया यार। तुम वैसे सैड हो क्यों? नहीं नहीं सैड नहीं हूं, बस जिस चीज का रिस्पांस मिलता है तो फिर वही करना पड़ता है। ये है सैड, मैं आई हूं ना, जैसे तो मैंने बोला हे बाद, ही इज लाइक हाय। कुछ ब्रेकअप हुआ है कुछ? नहीं किसी लड़की ने धोखा दिया? नहीं नहीं, किसी लड़की ने धोखा दिया? क्या बोलूं मैं, हुआ क्या है बता दो। कुछ तो हुआ, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है, बस एक चीज अच्छी लगती है, फेवरेट एक्ट है मेरा। सैड रहना अच्छा लगता है? सैड नहीं रहता मैं, सिर्फ वीडियो सैड बनाना अच्छा लगता है। अच्छा, वैसे तुम फनी इंसान हो? पता नहीं अब आपको किस तरह का लगूंगा। अभी तो मुझे बड़े सैडी फनी लगे। सैडी फनी, सैडी फनी। चलो हम पहला आज कटाकट बनाते हैं, और ये पहली, अल्लाह माफ करे भाई, अच्छा जी पहला कटाकट बना रहा हूँ, पहली माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि कटाकट के बाद मेरी कसम से कमर में दर्द हो गया है। जब से मैंने शो स्टार्ट किया टांग में दर्द हो गया, पता नहीं लोग बद्दुआएं दे रहे क्या भाई, खुदा के लिए मुझे कोई बद्दुआ मत दे। ये शो मैं आप लोगों के चेहरे पे यू नो हंसी बिखेरने के लिए करता हूँ, लोगों को हंसाने के लिए करता हूँ, मेरी कमर में दर्द शुरू हो गया शो के बाद से। खैर दुआएं भी मेरे साथ, मेरी अम्मी अब्बू सबकी हैं, तो सही हो जाएगा ये। अच्छा, अब पहली जो कॉल हम कर रहे हैं, ओके जी, ये कॉल है अलीशा को, हम कॉल करेंगे अलीशा का। भाई अब रिश्तों का बड़ा आजकल चक्कर चल रहा है, ट्रेंड में है कि लड़कियां अपने रिश्ता खुद डाल देती हैं, शादी डॉट शादी के फलाना फलाना, और बहुत सारे पोर्टल्स पे भी होता है, बहुत सारी आंटियों को बताती हैं। अच्छा, ये जो अलीशा है इसका नंबर हमें दिया है अच्छा नंबर इसका किसने दिया हमें, जिनको इन्होंने रिश्ते का बोला है। अरे आंटी बड़ी, आंटी नहीं हमें नंबर दीजिए कि आप इसका कटाकट बना दें। आंटी बड़ी तेज चल रही तो है। आंटी को आंटी आपका सबसे पहले थैंक यू, और अलीशा आई एम सॉरी मैं आपको कॉल कर रहा हूँ, और ये कॉल जो है ये कैसा कटाकट बनता है लेट्स सी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, अलीशा बोल रही हैं? जोर से बोले। अलीशा बोल रही हैं? अलीशा, आप कौन है? जी मैं वहीद बोल रहा हूँ, अलीशा का नंबर है ये, अलीशा से बात कर। आप कैसे जानते उसको? जी मैं उसका मैं मुझे नम जी मुझे आयशा आंटी ने नंबर दिया था, ये रिश्ते का कुछ उन्होंने बताया था। अच्छा, तो हाँ अच्छा अच्छा जी 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 अच्छा नहीं मैं अलीशा नहीं बोल रही, मैं उसकी बड़ी बहन बोल रही हूँ समीना। अच्छा, आप उनकी बड़ी बहन बोल रही हैं? जी जी जी। अच्छा, मुझे लगा आंटी ने आपको नंबर दिया। हाँ जी जी, मुझे जी मुझे लगा आप ही अलीशा बोल रही हैं, आप भी माशाल्लाह यंग लग रही हैं। हाँ नहीं बेटा, मैं तो उसकी बड़ी बहन हूँ, आप परेशान नहीं हो। अच्छा, तो क्या वो आंटी आयशा ने आपको बताया है हमारी बहन के बारे में? जी जी मुझे हेलो जी 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 उन्होंने बताया था। हाँ। तो मुझे पता चला था, तो मैं खुद ही हाँ। बात कर रहा हूँ, तो मैंने सोचा आज के दौर है तो हम लड़का लड़की आपस में खुद बात हाँ। कर लें, तो अब मेरी बात करा दें आप उनसे थोड़ी। अरे बेटा, अभी तो जरा पहले मुझसे तो बात कर लो ना, वो आपकी कोई वालदा नहीं है अभी घर में क्या, जो मतलब आपकी खुद ही तरह करेंगे? जी वो घर पे नहीं है, मैंने खुद ही इसलिए कॉल की। आप क्या करते हैं, आप कितना पढ़ लिए आपने? मैंने जी बीकॉम किया है। अच्छा, बीकॉम किया, वेरी गुड, बीकॉम। अच्छा, और बेटा क्या करते हो? जी बिजनेस है, बिजनेस है जी मेरा, फूड। अच्छा, फूड बिजनेस है जी। हाँ जी, फूड खाना पीना होता है ना, फूड का उसका बिजनेस है। तो फूड तो वैसे ही जो हिट है ना आजकल, वेरी गुड। किधर है बेटा, क्या किधर, जगह कहाँ है आपकी बताएं जरा। ये यहाँ कराची में है, यहीं पे ये रणछोड़ लाइन के पास ही है, फूड बिजनेस है हमारा। रणछोड़ लाइन के पास है? जी जी, रणछोड़ लाइन है ना, उसके पास ही है। रहते कहाँ बेटे आप?
ये यहीं पे रहते हैं, सऊदाबाद की तरफ रहते हैं। सऊदाबाद? जी जी। ये किधर है? अच्छा मैं आपको बाजी बोल दूं? बाजी जी, बाजी। हेलो जी, बाजी बोल दो जी। बाजी, अच्छा बोल दो। ये अलीशा क्या है? थोड़ा सा उनके बारे में बता दें, वो क्या करती हैं? ज्यादा बड़ी हूँ नहीं उससे, वो सब 3 ही साल बड़ी हूँ, लेकिन अच्छा ले आप मुझे बाजी बोल दे, कोई मसला नहीं। वो क्या करती है जी? अलीशा क्या करती है, क्या क्या उम्र है उसकी, थोड़ी आप मुझे अगर उनका बता दें। अच्छा, वो बेटे अभी जो है ना इंटर का, असल में थोड़ा उसका सपली वपली का है ना, तो इंटर उसका पूरा हुआ नहीं है। अच्छा। लेकिन वो वैसे उसके अलावा पढ़ाई की क्लास लेने जाती है। आप लोग उर्दू स्पीकिंग है? पंजाबी, मुझे पंजाबी लग रही है आप आवाज से ना। हाँ देखो पहचान गए, बिल्कुल ठीक है। आप कहाँ के हैं बेटे? जी हम इधर इधर के हैं, दिल्ली की है मेरी नानी, तो अब्बू मेरे इधर के ही हैं। दिल्ली वाले? दोनों दिल्ली के हैं। बेट क्या आपका मंथली समझने, क्या इनकम हो जाती है आपके बिजनेस से? क्या क्या खाने वाने पक रहे हैं वहाँ उस जगह, मतलब मंथली बनाया हुआ है या? बाजी हुँ? बाजी मंथली जो है ना 25 तक हो जाते हैं ना मेरे, 25,000 हो जाते हैं, बाकी टिप शिप जितनी हो जाए ऊपर। तो ये है कि 25,000 कमा लेते हो? जी 25,000 कमाता हूँ, बाकी टिप शिप मिला के ना ये कोई 30 तक हो जाते हैं, 30,000 रुपए। 30? नहीं तो ये क्या कह रहे हो, क्या मिला के? टिप। टिप? जी जी। टिप का क्या मतलब होता है? वो लेते हैं ना वेटर। हाँ जी, तो फूड फूड का काम है ना, जैसे कि मतलब मैं अपने बिजनेस में इसको यूं कहता हूँ, जैसे मैं मेरी दुकान पे कोई आया है ना, कोई भी कोई इंसान आया है, तो वो बैठता है तो मुझे बुलाता है, कहता है ए, तो मैं कहता हूँ जी साहब, तो मुझे बुलाता है, कहता है क्या है खाने में, तो मैं उसको बोलता हूँ चिकन कढ़ाई, आलू मटर मिक्स सब्जी, आलू पालक, मोर छोला, हलीम, चिकन कढ़ाई, चिकन बोटी, मलाई बोटी। भाई तुम ये बिजनेस बोल रहे हो कि तुम वेटर हो? हाँ जी, तो फूड बिजनेस। पहले तो ये बताओ कि तुम बिजनेसमैन हो कि तुम वेटर हो? आंटी जी बस यही हूँ, बताया जो यही हूँ। हदियों लानत है तुम, मैं अभी बता रही हूँ, मेरी बहन इतनी बेचारी, कोई सुघड़ और कोई एजुकेटेड, और तुम वेटर हो, तुम इतने ढीट हो, तुम वेटर हो के मुझे तुम कॉल कर रहे हो? हैं आंटी, दिल तो दिल है, इसमें क्या है वेटर का हो या आंटी आयशा? आंटी आयशा की अपनी कुछ तीन बेटियां हैं, उनको शर्म नहीं आई उनको कि वो वेटर को उन्होंने नंबर दे दिया मेरा? है तो आंटी कमाता हूँ, कोई हलाल कमाता हूँ कोई। मैं आप इस तरह कॉल करके आप बोलते हैं कि हमने आंटी मैं हलाल कमानी है बेटी से, और अब आंटी कोई बात नहीं, तो क्या हुआ, अल्लाह आपके हो सकता है आपकी बेटी के नसीब से। अभी अभी मैं तुम्हारी आंटी हो गई हूँ जब तुम बेटर हो गए हो तो, है अभी तो तुम बाजी बोल रहे, अभी तुम आंटी पे नहीं, तो तुम्हें शर्म तो आनी चाहिए, किसी के घर अगर कॉल करके बोलते हैं रिश्ते के लिए तो तुम बेटर हो, तुम अभी मुझे कह रहे हो फूड फूड तो फूड बिजनेस तो बड़ा होता है, वो कोई बेटर थोड़ी होता ना कोई फूड बिजनेस। बस मैं वेरी बैड, आप तो ये फ्रॉड करते हैं ना कि चीट कर रहे हैं लोगों को। अच्छा ही बताएं कि हम क्या काम कर रहे हैं, हम तो नौकर हैं। आप बता दें हम कौन हैं इनको, आप बता दें मैं बिजनेस कर रहा हूँ, ये बताएंगी मेरी बाजी। आंटी आंटी आप हमारी बात सुने जरा। हाँ तो मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हम ने आपको सिर्फ आपका कटाकट बनाने के लिए कॉल की थी, और हम कटाकट शो से आपको कॉल कर रहे थे जस्ट टू स्प्रेड स्माइल ऑन योर फेस। शो से? जी आंटी 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 मैंने आपको कटाकट शो से कॉल की है, आपने पता नहीं देखा नहीं देखा, वो खैर है छोड़े, हमने अलीशा की अल्लाह करे अच्छी जगह शादी हो, हम तो दुआ करेंगे आपकी बहन की शादी अच्छी जगह हो, वैसे ऐसे अगर किसी बेटे का रिश्ता आए ना तो कर दें, इससे कुछ नहीं होता, क्या पता आपकी बहन के नसीब से वो वेटर उस होटल का मालिक बन जाए। आंटी की कॉल कर आवाज भी कट रही है। आंटी सिग्नल पकड़े, आंटी आंटी सिग्नल पकड़े, छत पे आए आंटी। देखो आंटी आंटी नहीं आंटी आंटी के सिग्नल गए। आंटी कोई बात नहीं, आंटी आपके सिग्नल कट गए, हमारी कोई गलती नहीं, हम तो आपको मजाक कर रहे थे, और ये छोटा सा मजाक था। सीरियस हो गई आंटी, कहती लाना तो तुम्हारी शक्ल लाना तो।
मजीद बातें करते हैं हमारे दोस्त से। यार तुम्हारा क्या है जिंदगी में, सोचा किस तरह की लड़की से शादी करोगे कभी? नहीं, जिससे अम्मी कहेंगी उससे करेंगे। माशाल्लाह। तो अम्मी किससे कह रही हैं आज की? अभी तक फिलहाल किसी से नहीं कहा। अच्छा, होता है ना दिमाग में? नहीं, कोई भी नहीं। शर्मा रहा है ये? शर्मा नहीं रहा हूँ। फिर अम्मा गुस्से में आ रहा हूँ, सैड हो रहा हूँ। सैड हो रहा हूँ, क्या हो रहा है? चलो अब मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा, आंखों में वैसे ही आंसू आ रहे हैं इसके। तुम क्या हो गया यार अल्लाह। अच्छा भाई मुझे बताओ, पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का नाम? कायदे आजम। नो। कायदे आजम पहले वजीर आजम? कायदे आजम, कायदे आजम ही हो सकते हैं। अच्छा अगला सवाल, पाकिस्तान का कौमी खेल कौन सा? हॉकी। ये तो बच्चे को घुटी घुटी में पिलाते हैं ये हॉकी। अगला सवाल, इस जुमले को ट्रांसलेट करना है, जिया धड़क धड़क, मतलब उर्दू में करना है। उर्दू में तो है जिया धड़क धड़क, इसको इंग्लिश में करना है हार्ट पंप पंप। बनता यही है हार्ट पंप पंप। ओह पंपकिन। अच्छा नहीं नहीं, एक बार उसने उसको उसको मैंने बता दिया, उसके बावजूद तो आप इसलिए बैठे हो ना मेरे साथ, उसने फिर भी एक्ट ऐसे किया जैसे कि सोचो सर हार्ट ट्रांसलेशन करनी है तुमने, और तुम्हारा ट्रांसलेशन ये है उंगली चटक नहीं रही। ट्रांसलेट कर दो उसको। उंगली चटक नहीं रही, फिंगर इज नॉट ड्रिंकिंग। अच्छा है, फिंगर इज नॉट ड्रिंकिंग इज द राइट आंसर। 1 करोड़ रुपए आपके साथ जाएंगे। इसके साथ ही हम लोग जाएंगे अगले कॉलर की तरफ, और अगला कटाकट जो हम बनाने वाले हैं ये कटाकट किसका है जी? इसमें एक सेकंड मैं जरा देख लूं। ओके जी, अब जो हम कॉल कर रहे हैं भाई एक सिंगर है, इनका नाम है बिलाल काशिफ, और इनके दोस्त ने हमें इनका नंबर दिया। यंग लड़के, सिंगिंग का बहुत शौक है, और चांस मांग रहे हैं, इनको चांस ढूंढ रहे हैं कि किसी तरीके से कोई चांस मिल जाए, मैं कहीं परफॉर्म कर लूं और बस मेरा एल्बम आ जाए। याद है एक जमाने में एल्बम रिलीज हुआ करते थे, पोस्टर लगा करते थे, कैसे थे, और वीडियो म्यूजिक वीडियोस बनती थी, टीवी पे चलती थी, उस जमाने की बात है ये, बस बड़ा पुराना जमाना था। 2000 आखिरी जो था मेरे ख्याल 2012 तक चला था ऐसा सब कुछ। हां मुझे याद है, आई वाज अ डायहार्ड फैन ऑफ आतिफ असलम फ्रॉम द वेरी स्टार्ट, तो मैं उनकी वो जमा करती थी, एक पूरा मेरे पास एल्बम था, सॉरी सीडीज, सॉरी। चलो अब हम इनको कॉल करते हैं। ये भाई जो है सिंगर है, इनको सिंगिंग ऑब्वियसली, सिंगर तो हर सिंगर मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं खुद म्यूजिशियन, मैं खुद सिंगर हूँ, तो मैं चाहता हूँ प्रमोशन कर ले। हाँ तो वो तो जरूरी है, शो ही मेरा आप निकलने बाद। तो मैं चाहता हूँ कि किसी तरीके से सिंगर्स को मैं कटाकट बना दूँ। तो अभी जो सिंगर है बिलाल काशिफ, बिलाल काशिफ को कॉल करनी है, इनका नंबर हमें दिया सरमद ने। सरमद थैंक यू सो मच, आपने हमें एक नया कॉन्टेंट दिया। सो फिलहाल हम कॉल मिलाने लगे हैं बिलाल काशिफ को और देखते हैं इनका कटाकट कैसे बनेगा। तुमने बिस्मिल्लाह करनी है फिर उसके बाद। हेलो हाय, इज दिस बिलाल काशिफ? हाँ जी। एक्चुअली हम सारे गामा पादा और नीसा म्यूजिक कंपनी से बात कर रहे हैं, एंड वी सॉ योर वीडियोज ऑन सोशल प्लेटफॉर्म्स, यू नो यू आर अमेजिंग, लाइक वी आर अमेज्ड बाय योर सिंगिंग स्किल्स, यू नो। कभी कहते हैं मेरे बारे में ये तो। Yes, you deserve it actually. So actually, we want you on our board with us, and we want you to sign our contract and be with us. Okay. So की जो कॉल है वो मैं अपने जो बॉस है उनकी तरफ ट्रांसफर कर रही हूँ, एंड देन यू टॉक टू हिम। आप करें। हेलो। हाय सर। हाय, वालेकुम। हाय, बिलाल काशिफ बोल रहे हो? जी सर, बिलाल बोल रहा हूँ। बिलाल क्या हाल है बेटा, ठीक हो? हाँ सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा बिलाल, सारे गामा पादा और नीसा म्यूजिक रैकेट से कॉल किया है, और मुझे आपकी असिस्टेंट ने बताया, आई एम वेरी हैप्पी आपने कॉल किया। जी, अकील जिलबानी नाम है मेरा,
और आपकी म्यूजिक वीडियोस देखें इस तरह। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं म्यूजिशियंस को और सिंगर्स को खास तौर पे। हमें बहुत सारे ऑडिशंस वगैरह आते हैं टिकटॉकर्स के, लेकिन हम वी आर ऑब्वियसली वो तो लिप सिंग कर रहे होते हैं। जब हम उनसे लाइव कहते हैं कि भाई लाइव सुनाओ, तो वो लाइव गा नहीं सकते, तो हमें बहुत प्रॉब्लम होता है। तो हमने लाइव वीडियोस देखे कुछ और हमने अपने सिस्टम में डाले, तो पता चला कि कौन लाइव गा रहा है। मेरी बात सुने, आजकल कंप्यूटर का दौर है, यू नो वेरी वेल एवरीबॉडी कैन सिंग, बट लाइव की जब बात आती है तो मैं तो बहुत ही पुराना गाने वाला हूँ, मुझसे अच्छा कौन इसको समझ सकता है। और मैं लाइव का ही सिंगर हूँ, आप यकीन करें कि मैं जहाँ महफिल सजवाता हूँ या सजाता हूँ इस्लामा बांध देता हूँ। लोग बोलते हैं यार हम तो रिकॉर्डिंग के बजाय आपका लाइव वाला सिलसिला है वो बेस्ट है। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप गिटार वगैरह भी प्ले करते हो साथ, कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर लेते हो? सब इंस्ट्रूमेंट आते हैं, आई कैन प्ले हारमोनियम, आई कैन प्ले गिटार, तंबूरा, वो अरेबिक एक होती है लाइक ढोलक टाइप होती है, लाइक जैसे वो छत्तीस। मुझे मत बताओ बेटा, मुझे बता। अरे मुझे मत बताओ बेटा, ये मुझे पता है, मैं ये करके छोड़ चुका हूँ जो तुम बता रहे हो सारी ना। हाँ सर, लाइक मैं आपको बता नहीं रहा, मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे ये सारी चीजें प्ले कर सकता हूँ मैं, लाइक दूसरे लोगों को नहीं हूँ, बट आई एम अ टैलेंटेड बॉय। मतलब लाखों में, करोड़ों में अगर नहीं तो लाखों में एटलीस्ट है। हाँ हाँ मैं देखा है, तभी तो बेटा तुम्हें कॉल किया है। अच्छा गाते हो, अच्छा गाते हो। हमारा ये डिजिटल रिकॉर्ड लेबल होगा, सो इसमें हम लोगों को साइन कर रहे हैं पहले ना, अच्छे टैलेंटेड लोगों को। कितनी देर परफॉर्म कर सकते हो, परफॉर्मेंस कितनी देर की दे सकते हो, व्हाट्स योर मैक्स? सर मैं मैक्सिमम 5 to 6 hours। ग्रेट इनफ, ग्रेट, 5 to 6 hours, ग्रेट ग्रेट। अच्छा हम तुम्हें 5 to 6 hours के, ऑब्वियसली हम लोग तुम्हें थकाना नहीं चाहते, एक घंटा परफॉर्मेंस तुम्हें करनी होगी, कॉन्ट्रैक्ट हम तुमसे साइन करवा लेते हैं। अच्छा इस कॉन्ट्रैक्ट में होगा ये कि जितनी भी परफॉर्मेंसेज होंगी तुम्हारी उसमें ऑब्वियसली हम शेयर लेंगे अपना, ठीक है? सो 40% हमारा होगा, 60% तुम्हारा होगा, इज इट गुड? अच्छा, और आप मुझे वेन्यू प्रोवाइड करवाएंगे? वेन्यू ऑब्वियसली, वेन्यू हमारा, वेन्यू हम आपको बताएंगे, आपने सिर्फ परफॉर्मेंस देनी है, और जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट का 60% आपका होगा, 40% हमारा होगा, और इसी तरीके से हम बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेंगे। लॉक कर ले सर, लॉक कर ले हम रेडी। अच्छा कुछ सुना दो थोड़ा सा जल्दी से, कोई पाकिस्तानी गाना सुनाओ। पाकिस्तानी गाना पाकिस्तानी दिल दिल पाकिस्तान जा जा, पाकिस्तान दिल दिल पाकिस्तान जा, पाकिस्तान ऐसी। ओके ओके ओके, ग्रेट 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 ग्रेट, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। ओके बेटा बस प्लीज बेटा बस ना बस, जी जी बस, बहुत गा लिया। अच्छा अब कॉन्ट्रैक्ट हम साइन कर लेते हैं, ठीक है? आपकी पहली परफॉर्मेंस है कल सुबह 8 बजे, ठीक है? 8 बजे सर कौन करता है 8 बजे, लाइक शाम का अगर हो तो बताए ना। शाम का अभी नहीं है, अभी जो पहली परफॉर्मेंस हमें चाहिए ना आर्टिस्ट की, वो 8 बजे है, और 8 बजे बस 8 बजे निकल रही है ना। ओके 8 बजे बस तुम ये कैंट स्टेशन पहुंच जाना बेटा, तो तेजगाम है ना, तो तेजगाम में बोगी नंबर 18 से तुम इन होगे, और बोगी नंबर 38 तक, यानी कि 30 बोगियां हैं, तो बस 5-5 मिनट सब में परफॉर्म करो, जो भी जमा होता है ना वो तुम हमें बता देना, हम 38 वाली जो हमारी बोगी है उसके बाहर हमारा अकाउंटेंट खड़ा होगा, उसको सारे पैसे दे देना, 60% तुम्हारा होगा और 40% हमारा होगा, सही है? कल सुबह 8 बजे फिर मिल रहे हैं इंशाल्लाह। एक्सक्यूज मी, ये आप क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं मैंने वहाँ पे? बेटा हम ट्रेन में सिंगर्स को हायर कर रहे हैं और अपने प्लेटफॉर्म पे इनको साइन कर रहे हैं, और उसके बाद ट्रेन में ये हमने ना बेसिकली पाकिस्तान रेलवे से कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो वहाँ आप मुझे बताएं, एक मिनट आपने मजाक के लिए कॉल किया या आप मुझसे भीख मंगवाने का प्लान बनवा रहे हैं क्या, किस किस्म की बात की आपने? बेटा भीख क्या मंगवा रहे हैं, हम तो आपको बिजनेस दे रहे हैं। और आप सिर्फ
मस्ती मजाक के लिए फोन किया। बेटा जो लोग वायरल हो रहे हैं हम उनको बिजनेस दे रहे हैं। देखिए अभी कोई कॉन्सर्ट नहीं हो सकता, कोरोना की वजह से कॉन्सर्ट नहीं हो रहे यार। आप तो आप मैं माजरत के साथ आप बेवकूफों वाली बात कर रहे हैं। एक तो मैं आपके लिए हारमोनियम बजा के भीख मांगू, ऊपर से मैं कमाऊं और फिर उसमें से 40% मैं आपको भी दूं, तो मैं खुद ना कर लूं ये सारा? तो आप खुद नहीं कर सकते, आप खुद नहीं कर सकते, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ पाकिस्तान रेलवे से। नहीं आप क्यों, क्या रेलवे की जमीन आपकी है, पटरियां आपकी है? ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है। एक्चुअली वहां पे भिखारी बहुत थे, तो उन्होंने कहा कि यार हम चाहते हैं कि जो ऑडियंस है या जो हमारे लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं उनको भी लुत्फंदोज हो जाए, तो थोड़ा बहुत कमाल हो गया। तुम बकवास कर रहे हैं, क्या बकवास कर रहे हैं? वो आप कौन हो, क्यों कॉल किया मुझे आपने? इसीलिए कॉल किया बेटा, बताओ क्या करना है। क्या करना है? मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आपको तो एक तो तमीज होनी चाहिए। आप मुझे क्या ऑफर कर रहे हैं? आप मुझे फकीर समझा हुआ है आपने? किससे नंबर लिया आपने मेरा? आपके दोस्त से जैन बात कर रहा हूँ मैं, कटाकट शो से जैन बात कर रहा हूँ मेरी जान। बिलाल आप बहुत अच्छा गाते हैं और लग रहे आप बहुत अच्छा मजीद गाएं, और ये बस मैंने आपके साथ मजाक किया था, कटाकट बनाया था आपका। या देखो यार ये भी तुम्हारी तरह सैड है कोई? मैं पता है मुझे ये सुन के बड़ा अजीब लगा। देखिए हम टैलेंटेड लोग हैं, हमारे साथ अगर इस तरह भीख मंगवा रहे हैं कौन कौन? ये आप लोगों का शो है? जी जी हमारा एक शो है जिस शो में हम कटाकट बनाते हैं, और इसलिए आपको कॉल की थी। आपके दोस्त ने हमें नंबर दिया था आपका कि आपका कटाकट बना दें, और हमें अंदाजा हो गया था आप गाली शाली नहीं देंगे हमें, तो इसलिए हमने आपको कॉल कर ली। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट बदतमीज बच्चा। गुड यार, वेरी गुड, अल्लाह आपको कामयाब करे और हमारी दुआएं आपके साथ। शुक्रिया जी। कॉली काट दी। शुक्रिया जी। यार ये कुछ बन के बोल रहा था, मुझे लग रहा था ऐसा ना। या तुमने जैसे बात की शायद उसके बाद से चेंज हो गया। मैंने तो आप फिर वो इस वजह से की थी ना, थोड़ा सा एक्सेंट चेंज करके था, ये वजह से पकड़ लिया एक्सेंट। हम ऊपर से आएंगे आपके, आप क्या इंग्लिश बोलोगे? हम क्या इंग्लिश बोलोगे? हम बोलेंगे अंग्रेजी, हम बोलेंगे। ओके अब हम जो कॉल करते हैं अनस को, ये कॉल तुम करोगे और तुम बात करोगे, तुम मतलब उससे तुम बड़ी जल्दी में बात करोगे कि भाईजान हेलो अनस, भाईजान अच्छा अनस नहीं बोलना वरना उसको पता चल जाएगा, तुमने अननोन ही रहना कि भाईजान आप जो भी है ना आप बस वो, मैंने मेरी बीबी मुझे बहुत अच्छा कर रही थी तो मुझसे नंबर मांग रही थी कि किस नंबर पे बात कर रहे थे कल रात को, तो मैंने उल्टा सीधा उसको नंबर बताया, तो वो नंबर ना आपका है। मतलब मैंने आपको पहले इसलिए कॉल कर रहा हूँ कि हो सकता है मेरी बेगम आपको कॉल करे, उसे मेरे मोबाइल से चेक करके ले लिया, तो भाई आप संभाल लेना प्लीज़ यार। ठीक है फिर हम दोबारा कॉल करेंगे और फिर दोबारा ये बात करेंगे। ठीक है ठीक है चलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान मैं मोहम्मद फहद बात कर रहा हूँ यार, एक प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, आप मेरी हेल्प कर सकते हैं थोड़ी सी? क्या हो गया भाई? वो मेरी बीवी मुझको मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा शक कर रही थी, तो मैं रात को एक अपनी दोस्त से बात कर रहा था, तो अभी उसने मेरे से नंबर मांगा, मैंने आपका दे दिया, अगर आपको कॉल आई तो प्लीज़ 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 संभाल लेना। वैसे कॉल आएगी तो मेरा नंबर कहाँ से आ गया? तो आप बस मैंने यूँ मिलाया है तो वो आपका मिल गया, अभी मैंने दोबारा रीडायल किया तो आपका आ गया। मैं आपको पहले इसलिए कॉल कर रहा हूँ ताकि आपको कॉल आ जाए तो आप संभाल लेना प्लीज़ प्लीज़। वैसे आएगी नहीं, मैं आपको फिर भी बता रहा हूँ प्लीज़, इतना सा करें, कॉल आएगी नहीं मैं आपको पहले बता रहा हूँ ताकि आपको पता हो, मेरा नाम मोहम्मद फहद है, आप ये याद रखना ठीक है? अच्छा भाई ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, चलें ठीक ओके। गुड अच्छा काम किया, अब तुम कॉल करो। दिस इज शक्की वाइफ, नाम नहीं पूछना आप कौन बात कर रहे हैं। आप अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी जी मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ जी बोले। आप मुझे आप ये बताएं कि ये रात को फहद से बातें आप कर रहे होते हैं? भाभी बोल रही आप? भाभी नहीं बोल रही मैं, ठीक है मैं जो भी बोल रही हूँ मुझे ये बताओ कि पाँच से रात में कौन सी बातें हो रही होती हैं? पाँच से बातें हो रही होती हैं, वो काम क्या हो रही होती है? ये रात को कौन सा काम चल रहा होता है आपका भाई साहब? रात को हम प्लान करते हैं ना दिन में क्या करना है, तो वो बातें होती है। अच्छा तो आप फहद के साथ होते हैं? मैं समझाया हुआ, वो काम वाम कर रहा है अभी, वो दिल लगा के करेगा।
मैं तो उसको भाभी जब भी बैठा होता हूँ मैं तो बताता हूँ भाई देखो घर वालों का ख्याल अपनी चीजें पूरी रखो भाई, जिम्मेदारी जो है ना मर्द की वो घर वालों के लिए सबसे पहली होती है, बाकी सारी चीजें दूसरी होती है, जिम्मेदारी पहले। नहीं, मैं समझाता रहता हूँ बहुत, और अच्छा है यार वो सही हो जाएगा इंशाल्लाह। मेरी बात सुने आप, पहली बात तो ये कि आप उससे रात में बातें करना बंद कर दें, समझ आ रही है आपको? अच्छा अच्छा, रात में कोई बातें अगर मैंने देख लिया किसी दिन कि रात में वो आपसे बात कर रहा है तो फिर आप देख लीजिएगा फिर क्या आपके साथ क्या होगा। आप तो नहीं करेंगे भाई बातें उससे, और क्या करें। तो आप मुझे ये तो नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आपका इतना ही अच्छा दोस्त है वो, इतना ही कोई जिगरी दोस्त है, तो आप क्या उसके साथ काम करते हैं? मैं काम करता हूँ साथ में। तो मतलब आप उसके साथ मिले भी होते हैं? मिले भी होते हैं क्या मतलब, साथ ही काम कर रहे होते हैं। तो आप उसको समझाते नहीं है? मुझे तो लगा था कि मैं शायद किसी को बोलूंगी कि आप उसे समझा दे, आप उसे क्या समझाएंगे, आप तो उसके साथ डकैतियां करते हैं। अल्लाह मैं कहां जाऊं, डकैती के हां ना क्या बोल रहे हैं आप? तो वो डकैतियां करता है तो आप उसके साथ काम करते हैं तो मिलके डकैतियां होती होंगी ना, और क्या होता होगा? नहीं मैं नहीं होता उनके साथ। तो वो अभी फोन आया था उनका, वो कह रहे थे कि वो मेरी वाइफ फोन करेंगी तो आप बोल रहे मैं मेरे साथ होते हैं। वो तो डकैतियां करते हैं और पुलिस जो है ना उनपे तो FIR कटी हुई है, उनका तो मोबाइल ट्रेसिंग पे लगा हुआ है, उस पे तो जिसको वो कॉल करते हैं और जिससे वो बातें करते हैं उनको भी पकड़ के ले जाते हैं। तभी तो मैं आपसे कह रही थी आप उसके समझाएं, आप तो उसके साथ मिलके काम करते हैं, अभी पुलिस आपको पकड़ के लेके जाएगी। भाई साहब अच्छी बात तो नहीं, आपके बच्चों को क्या होगा आपने कभी सोचा है? वो तो नहीं सोचता, आप तो सोच लेते ना, आप तो उसको क्या समझेंगे, आप तो खुद भी नहीं। भाई साहब देखो तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी आपको। बेबी मैं नहीं जानता उसको, अभी फोन आया था 2 मिनट पहले। बेबी मैं तो ऐसे ही आनी बनती थी, मैं नहीं जानता है? मेरा कोई ताल्लुक नहीं बेबी, जो भी हो आप भाई, मेरे आपके मियां से कोई ताल्लुक नहीं है। वो तो ऐसे ही बोल रहे थे कि यार मेरी वाइफ कॉल करेगी उनको समझा देना। पूरी रात बातें करते हो अभी कह रहे हो ताल्लुक नहीं है? नहीं मैं नहीं होता, फोन मत करना यार, बंद कर रहा हूँ मैं। अभी पुलिस बताएगी तुम्हें, अभी तो बंद करो। बहुत कमाल यार, सही बंदा तो बंदा ही भाग गया। बंदा कह रहा नहीं पे, मैं जानता ही नहीं हूँ, काटो कॉल, जानता ही नहीं, इससे पहले ट्रेन से कॉल काटो। बहुत ज्यादा यार तुमने, उन्होंने कमाल का काम कर दिया ये। खैर जी अभी हमें मजीद इनसे बातें भी करनी है लेकिन क्योंकि हमारे पास कमर्शियल ब्रेक का टाइम आ चुका है, हम लोग कमर्शियल की तरफ जाएंगे और मजीद बातें अब इनसे अगले एपिसोड में करूंगा। मैं आप दोनों को दोबारा जरूर बुलाना चाहता हूँ, जरूर आइएगा। और आप दोनों का बहुत 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 शुक्रिया, आप लोग कटाकट में आए और आप दोबारा आई और दोबारा हमारे शो को मज़ेदार कर दिया आपने, और इंशाल्लाह दोबारा कटाकट बनाएंगे मिलके। अगर आपको किसी का बनवाना है किसी दोस्त यार का तो बताइएगा ताकि हम लोग उनको भी, लोगों का तो बना ही रहे लेकिन अपने यारों का भी बनाना सही है। लास्ट एपिसोड में मैंने अपने दोस्त का कटाकट बनाया था और मतलब मुझे पता चल गया था उसने रीसेंट एक्टिविटी क्या की। मतलब क्या नहीं, अब अगले एपिसोड में मैं भी अपने दोस्तों को बनाऊंगी। पकड़ लो, अब दोस्तों को बनाएंगे, उनका जरूरी है, उनका कटाकट जरूरी है ताकि रिकॉर्ड में रहे। मजा है मेमोरीज। आपका बहुत शुक्रिया दानिया, आप आई और दोबारा बैठेंगे। आपका बहुत शुक्रिया मोहम्मद फहद, दोबारा बैठेंगे और दोबारा कटाकट बनाएंगे और खाएंगे भी किसी दिन जाके साथ। हाँ अभी हम चलेंगे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसमें आपको कंटिन्यू करेंगे दिस इज कटाकट शो विद मिस्टर बोल बच्चन यानी कि ज़ैन द मैन, आपके दिल का जान द मास्टर प्लान। फिलहाल एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक और वापस आते हैं इस महफिल को, इस बैठक को, इस कचहरी को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। साथ दीजिएगा हमने इस वक्त छान के जो दो कमाल के लोग बुलाए हैं, वी हैव
साहिल भाई, साहिल भाई और साथ में मनाहिल और साहिल दोनों हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों को मैं वेलकम कहूंगा। वेलकम टू कटाकट शो। थैंक यू। कैसा लग रहा है कटाकट शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा। कटाकट शो देखा है? हाँ देखा, यूट्यूब पे अक्सर इसकी एड चल रही होती है, घूम रहा होता है फॉर यू। और दिल चाहता है कि यार कोई दिल में कोई बात है यार, मैं भी किसी का कटाकट बनाऊंगा। कोई है कोई ऐसा दोस्त यार जिसका कटाकट बनाना हो? दोस्त तो वैसे काफी हैं। हाँ, लेकिन कोई एक हो जो आपको लगता है कि इसका बन सकता है, क्योंकि कुछ हैं जो पकड़ लेते हैं। ज्यादातर मेरे पकड़ लेते हैं क्योंकि ऑलरेडी किए हुए उनके साथ। उनके साथ किया भाई? क्या क्या किया? किस टाइप का प्रैंक किया? गर्लफ्रेंड मैं इसके लड़की बन के बहुत तंग किया। लड़की बन के? हाँ, मतलब कि लड़की है ना थोड़े से। तो तुम लड़की की आवाज निकालते हो? हाँ, लड़की नहीं, मैं नहीं निकालता, मैसेज पे ज्यादा किया हुआ। अच्छा, मैसेज पे? प्लीज, मैं अम्मी है, भाई है, नहीं उठा सकती, मोबाइल ले लिया है, अभी मैसेज मत करना, इस तरह की बातें। जी जी। अच्छा, आपके साथ ऐसा होता है? नहीं, मेरे साथ कभी ऐसा। आप बोलती हैं अम्मी है, कोई बात नहीं, कॉल कर लो। नहीं नहीं नहीं। पर मेरे साथ कभी किसी ने कोई प्रैंक नहीं किया। आपने को कभी कोशिश की? मैं करती हूँ। क्या करती हो? किस तरह? अपनी दोस्तों के साथ करती हूँ। क्या क्या प्रैंक किया? क्या क्या मतलब बताओ ना, कुछ तो किया होगा। अपने जो मेरे दोस्त हैं उनसे उनकी गर्लफ्रेंड बन के बात करती हूँ और वो आवाज भी नहीं पहचानते। मुतमईन दोस्त हैं, बहुत ही मुतमईन दोस्त हैं। चलो खैर है, अभी हम लोग आज का जो पहला कटाकट तुम लोगों के साथ मैं बनाने लगा हूँ। इस वक्त हमें एंट्री भेजी है वकारुल हसन साहब ने, और वकारुल हसन साहब के ये एक दोस्त हैं जिनका नाम है हुमायूं आलम, और रिसेंट एक्टिविटी इन्होंने बताई कि इन्होंने में लोन के लिए अप्लाई किया है, और ये कोई कारोबार के लिए मेरे ख्याल है, पता नहीं किसी चीज़ के लिए कोई लोन चाहते हैं कि बैंक से उनको मिल जाए, तो उन्होंने अप्लाई किया हुआ है और अभी तक अप्रूव नहीं हुआ है, तो ये पेंडिंग में है। अच्छा, अभी तक। तो वकारुल हसन ने कहा कि मुझे उनका रिसेंटली यही पता है कि वो अब लोन चाह रहे हैं, तो आप उनको कटाकट बना दें उनका। तो तुम कॉल कर लो, कॉल करके तुम बोलोगी कि सर आपने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था, हुमायूं साहब आपने लोन के लिए अप्लाई किया था? वो कहेगा जी वॉट एवर। हमने कहा कि ओके जी सर आपका लोन जो है वो अप्रूव हो चुका है, अब मजीद प्रोसीजर के लिए मैं आपकी कॉल मैनेजर को ट्रांसफर कर रही हूँ। ठीक है, तो फिर उनका कटाकट बनाते हैं। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप हुमायूं आलम साहब बात कर रहे हैं? जी बात कर रहा हूँ। जी मैं बैंक से मैं बात कर रही हूँ। आपने शायद कोई लोन के लिए अप्लाई किया हुआ था सर? जी जी जी, मैंने तो किया था। जी जी जी, वो अप्रूव हो चुका है। अरे थैंक यू सो मच। नहीं, आवाज नहीं आ रही। नहीं, थैंक यू, थैंक यू सो मच। अरे वाह, जबरदस्त। तो आप इसके बारे में, तो वेरी वेरी नाइस। आपको इसके बारे में मजीद मालूमात के लिए आप मेरे मैनेजर से बात करें, ठीक है? ये लें। जी 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 मैडम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम भाई। आप हुमायूं आलम बात कर रहे हैं? जी 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 भाई जी। सर बहुत बहुत मुबारक हो। जी जी सर, थैंक यू थैंक यू। लेकिन मेरी बात तो कंप्लीट ही नहीं हुई। मुझे बात तो, अरे मुझे बात तो कंप्लीट करने दें। नहीं नहीं सर, मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ, थोड़ा एक्साइटेड हुआ हूँ भाई। अब मेरी बात सुनिए, आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका लोन अप्रूव हो गया है। थैंक यू। अच्छा, अब मैं आपको मजीद प्रोसीजर समझाना चाहता हूँ। कल सुबह फर्स्ट हाफ में बैंक आना होगा अपने शिनाख्ती कार्ड के साथ। ठीक है ठीक है ठीक है भाई। साथ ठीक में है। अब इम्पोर्टेंट बात यह है, आपको फास्टिंग में आना होगा और कम से कम 12 फास्टिंग मतलब निहार मुंह खाली पेट, मतलब रात में अगर आपने खाना खा लिया है कोई 8-9 बजे खाना खा लें, उसके बाद फिर आपने खाना और पानी नहीं पीना और सुबह डायरेक्ट हमारे बैंक आना है। टेस्ट करवा रहे हैं, लोन दे रहे सर आप? बिल्कुल बजा फरमाया, आपके पहले टेस्ट होंगे, ये हमारा प्रोसीजर है लोन देने से पहले। तो जी जी। तो आपको खाली पेट आना होगा बैंक, और बैंक आके अपना शिनाख्ती कार्ड आप जमा करवाएंगे ओरिजिनल, उसके बाद आपका हम टेस्ट करेंगे ब्लड प्रेशर का, आपका शुगर का, ये दो CBC आपका टेस्ट होंगे, उसके बाद आपका लोन
अप्रूव होगा, जैसे कि आपने गालिबन 40 लैक्स चका आपने कहा था। जी 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 जी, तो 40 आपके लैक्स जो हैं अप्रूव हो गए। 4 दिन का प्रोसीजर है ये, उसके बाद आप आपका जो लोन है अमाउंट आपको मिल जाएगा। आपकी एक किडनी जो है वो हम लोग सिक्योरिटी रीजंस के लिए फॉर द सेफ साइड अपने पास रखेंगे। हैं? क्या रखेंगे? आपकी एक किडनी हम लोग अपने पास सिक्योरिटी के लिए रखेंगे कि हमारे पास किडनी जी किडनी किडनी भाई क्या कह रहे हैं बॉस? भाई हमारे पास भी तो देखें, कोई अगर आप लोन लेके पैसे लेके भाग गए और आपने नहीं चुकाया हमारा अमाउंट तो हम लोग किससे मांगेंगे? हमारे पास भी तो कोई सिक्योरिटी के रीजंस के लिए कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। कल को भाई जी प्रॉब्लम वाली बातें कर रहे हो यार, आप बैंक में बैठे हो, अस्पताल में बैठे हो, कोई आपके पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, आप किडनी निकाल लो, बंदा मर गया तो नहीं, एक निकाल रहे हैं। और अगर आपको थोड़ा और लोन चाहिए तो आपकी 60 लाख आपको दे दें, 60 60। और भाई अपना अपना लोन अपने पास ही रख लो, ये किडनी विडनी नहीं दूंगा मैं। नहीं, अगर आपको थोड़ा कम चाहिए आप किडनी मत दें, आपको 20 लाख दे देते हैं, आप एक आंख निकलवा भाई हमारे पास रखवा दें। आप भाई सिक्योरिटी ले रहे हो, आप सिक्योरिटी कौन देगा यार बॉस? आपने मेरी किडनी बेच दी अगर तो नो, इसकी हम आपको श्योरिटी सर, हम आपकी इसको श्योरिटी देंगे कि आपकी किडनी हमारे पास डीप फ्रीजर में रखेंगे और बिल्कुल सेफ रहेगी। अब डीप फ्रीजर में रखी हुई गाय की किडनी है क्या? डीप फ्रीजर में रख देगा भाई तू? सर कभी जिंदगी में लेगा, मैं तेरी जुबान निकाल लूंगा, मैं तेरी किडनी लेगा हमारी, बावला अवला हो गया तू। अभी मैं हेड ऑफिस फोन करता हूँ, बताता हूँ कि भाई ये किडनी हम लेता फिर रहा है, अजीब बिजनेस कर रहा है। हमारी कंपनी की जो पॉलिसी है, हमारे बैंक की जो पॉलिसी है वो पूरी। अबे ओ शायर के बात कंप्लीट करेंगे, मेरी मेरी बात सुन ले, किसी अपने सीनियर से बात करा दे मेरी अपनी। किडनी लेगा तू? बैंक में अप्लाई किया, अप्लाई किया मैंने भाईजान। हुमायूं भाई आप शायद नहीं जानते होंगे और पता नहीं जानते होंगे सर, मैंने आपको एक शो से कॉल की है और आपके दोस्त हैं वकारुल हसन, आपके कोई दोस्त हैं भाई? वकार ने सर हमें नंबर दिया था और उसने बता दिया था हमें कि आपने बैंक में ना लोन के लिए अप्लाई किया है, तो उसने हमें बोला कि यार आपको कॉल करके तंग करो, आपका कटाकट मैं निकालूंगा और रखूंगा भी ऐसी जगह में ना, ढूंढता ही रहेगा। अलग रहे, आपका लोन अप्रूव हो जाए सर, हमारी दुआ है और हमने बस थोड़ा सा मजाक किया। आमीन आमीन। थैंक यू भाई। मैं वकार को पकड़ता हूँ, आप अपना स्टोर पकड़ो, मैं वकार को पकड़ता हूँ। ओके। थैंक यू भाई। ये तो लोन जाके पूछते ही ले। अच्छा भाई, ये मजेदार कहना कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ दो हमारे खूबसूरत नौजवान हमारे गेस्ट मौजूद हैं। हम लोग जाएंगे इस वक्त कटाकट की तरफ और ये जो कटाकट है ये बहुत इम्पोर्टेंट क्या है, मजेदार हो सकता है, इसको भी तुम लोग मजेदार करोगे, तुम दोनों बात करोगे, इसमें मैं नहीं। ठीक है, ये रबिया ने हमें नंबर दिया है शाजिल का, शाजिल अहमद जो इनके दोस्त हैं और इन्होंने अभी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया है और ऑनलाइन अप्लाई किया है, फॉर्म अपना एडमिशन फॉर्म भरा है और अभी तक ऑब्वियसली कोई रिस्पांस नहीं है क्योंकि चीज़ें अभी लॉकडाउन की वजह से काफ़ी डिले हो रही हैं। तो ये हो सकता है कि तुम ऑनलाइन फॉर्म तुम्हारे पास रिसीव हो गया है और तुम यूनिवर्सिटी से ही कॉल कर रही हो और तुम आउटलाइन बताओगी कोर्स की आउटलाइन, तुम पहले बात करो, शायद बात करें इस तरीके से उनको खेलना। अच्छा, तुम्हें जब कॉल ट्रांसफ़र होगी तो तुम वो कॉल गलती से ट्रांसफ़र हो गई है चौकीदार को। अच्छा, अब चौकीदार ने बात करनी है। ठीक, हो गया। और चौकीदार ने बोलना है कि मैं भी इधर का ही हूँ, मतलब तुमने भी मास्टर यहीं से किया हुआ। ठीक, हो गया। सही, उसको कंफ्यूज करना है हमने। तो अब हम कॉल कर रहे हैं शाजिल को, रबिया आपके कहने पे। सो लेट्स सी शाजिल इस एक प्लेट कटाकट को कितना स्पाइसी बनाते हैं। हेलो, आप शाजिल अहमद बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। मैं यूनिवर्सिटी से बात कर रही हूँ, आपने ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई किया था हमारी यूनिवर्सिटी? हाँ जी जी जी, बिल्कुल मैंने किया था। तो उसके लिए मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रही हूँ, कोर्स की आउटलाइन के लिए, आउटलाइन के लिए आप बात कर लें, ठीक है इनसे? ठीक है जी। हेलो। हाँ, दसो कितना कॉल कर रही है? सॉरी, मैं क्या जी दसो? हेलो, बोलो जी। मैंने एडमिशन के लिए सबमिट किया था। अच्छा,
तो मैं तो भाई चौकीदार हूँ खुद। आप चौकीदार बात कर रहे हैं? जी मैं चौकीदार बात कर रहा हूँ। आप पूछे, आप बताएं, आप मैं आपको बताता हूँ। आप मुझे उन खातून से बात करवा दे, आपसे मैं क्या बात करूंगा? अभी हाले कोई यूनिवर्सिटी से नहीं हैगा, तू मेरे नाल गल कर। तो आप और ये खातून क्या कर रहे हैं पूरी यूनिवर्सिटी में? ओ भाई भाई, खातून कहाँ, खातून मेरे पास है नहीं, मैं तो कल्ला बैठा हूँ इतने बाहर गन फाड़ के। अच्छा, अब मैं क्या बात करूँ आपसे जब है ही नहीं कोई यूनिवर्सिटी में? ओ मैं ना गल करके तो वे मेरे जान दिया टोटिया मेरे मखना। यार आप क्या जानते हो, आप तो खुद अनपढ़ हो। और तू मनु पूछ के तो वेख, अनपढ़ यार तू, अभी मनु अनपढ़ कही जा रहे हैं। अच्छा मुझे तीन का पहाड़ा आप सुनाए। किसका? तीन का पहाड़ा। तीन का पहाड़ा? हाँ। तीन कम तीन, तीन दूनी छे, तीन दूनी तीन त्रै नौ। यार मेरे को इंग्लिश पूछ, मैं पंजाबी बंदा नहीं हैगा, इंग्लिश पूछ मेरे को। यार आपसे मैं क्या, एक चौकीदार से मैं क्या बात करूं? आप अच्छा मेरी गल सुन, तुहाडी परसेंटेज की है? मेरी परसेंटेज है 53। हां 53 कहते हैं 53 को। ओ अच्छा, ओ ओके, अच्छा चल। ओ सलीम एक मिनट यार, एक मिनट। हां जी की रे आ गल करी यार जरा बंदे दे नाल। कौन है? अब पता नहीं कौन। ओ बस सॉरी। हेलो क्या यार, कैसे लोग हैं? हेलो जी, हेलो कौन बोल रहे है? मैंने दाखला लेना था यहाँ पे, मैं स्टूडेंट बोल रहा हूँ होने वाला। अच्छा अच्छा, तो बेटा आपकी कॉल हमारे पास आ गई है, यहाँ पे ना हम गेट पे थे तो अब हम। आप लोगों ने क्या निजाम बनाया हुआ, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी चला रहे हैं आप लोग और फोन जो है वो आप लोगों को आ रहे हैं? बेटा आप हमसे पूछ लें, जो पूछना है हम बता देते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, ये बाबा जी हैं, इनसे मैं क्या बहस करूं, अब वो खुद अनपढ़ है, मैं उनसे क्या तालीम के हवाले से बात करूं? एडमिशन बेटा वो अनपढ़ नहीं है, उन्होंने यहीं से तो मास्टर्स किया है। मास्टर्स किया है यहाँ से? यहीं से, इसी यूनिवर्सिटी के मास्टर्स है, मैंने खुद यहीं से मास्टर्स किया है, मैं कंटीन वाला हूँ, मेरी कंटीन है यहाँ पे। तो आप बताओ, आप लोग यहाँ काम भी कर रहे हैं? हाँ हाँ, हमारी यहीं से पढ़ा है। हमारी यूनिवर्सिटी जॉब की ऑफर साथ देती है डिग्री के। आप कब से कर रहे हैं? मुझे 5 साल हो गए यहाँ पे कंटीन पे। इसको लानत है आपकी जिंदगी पे और लानत है दूसरे वाले की पे। अब मैं तो यहाँ पे एडमिशन ना लूं, अल्लाह हाफिज। हेलो बदतमीज लोग। लानत देके चला गया यार, यार मुझे लगता है भाई हम इस यूनिवर्सिटी से बात नहीं कर रहे थे, ये हमने प्रैंक किया था। और हरगिज़ यूनिवर्सिटी का कोई इस तरह का निजाम नहीं है, ये तो हमने प्रैंक किया, प्रैंक किया। और अल्लाह करे आपका ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाए जहाँ पे आपने अप्लाई किया हुआ था। इससे पहले कि मैं मजीद बातें करूँ, हमारे प्रोड्यूसर साहब मुझे आंखें दिखा रहे हैं कि फॉरन ब्रेक पे जाएं, तो हम लोग चलते हैं ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसमें कैसे कंटिन्यू करेंगे, तो ऐसा इस कटा का शो साथ ही चलेगा। तमाम वो हजरात जिन्होंने इत्तफाकन ट्यून इन कर लिया, तो आज के कटाकट में आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, क्योंकि अभी आखिरी एक आध कटाकट हमारा बाकी है। हमारे साथ मनाहिल और साहिल दोनों बहन भाई लग रहे हैं नाम से, ये दोनों हमारे साथ मौजूद हैं और ये कटाकट आज का भी बनाने वाले हैं हमारे साथ। और इस वक्त जो हम कॉल कर रहे हैं भाई जान, ये कॉल बहुत अच्छी है, शुएब अहमद साहब को हम कॉल करने लगे हैं। और शुएब अहमद साहब की डिटेल हमें मिली है और इनका नंबर हमें दिया है मुदस्सिर साहब ने, और मुदस्सिर साहब इनके दोस्त हैं। मुदस्सिर साहब ने हमें बताया कि भाई ये जो शुएब साहब हैं इनको इंग्लिश बोलने का शौक है, इंग्लिश सीखने का शौक है, और ये चाहते हैं इनका एडमिशन हो जाए कहीं। और आप बस इन्होंने इतना बताया कि आप इनको कॉल करके इनका कटकट बनाते हैं, इनको इंग्लिश बोलने का शौक है। तो इनके इंग्लिश बोलने के शौक की वजह से मेरे जहन में एक चीज़ आई है कि हम इनको इंग्लिश इंस्टीट्यूट से कॉल कर रहे हैं जो कि इंग्लिश सिखाते हैं, और हम वहाँ से इनको कॉल करें और कॉल करके हम इनको
एडमिशन भी ऑफर कर रहे हैं और इनको अपनी अपनी दुकान बेच रहे हैं। हम बता रहे हैं कि हम आप यहाँ पे एडमिशन ले लें, ये तरीका है, ये है, ताकि क्या पता अगला हमारे पास नो पहले ही उसके दोस्त ने बता दिया हमें कि वो इंटरेस्टेड है इंग्लिश सीखने में और ये वो चाहता है कि कहीं उसका एडमिशन हो जाए। अभी बातें चल रही हैं दोस्तों में आपस में, तो वो वाला सिनेरियो तो हमें खेलने में मजा आएगा, आ सकता है। सो फिलहाल हम कॉल कर रहे हैं, नहीं तो मैं कॉल आपकी तरफ ट्रांसफर, मैं टीचर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, पहले तुम उसकी डिटेल ले लो, सारी बातें कर लो, उसके बाद मुझे टीचर को ट्रांसफर करना, फिर मैं अंग्रेजी में बात करूंगा इससे। ठीक हो, ठीक है। हमें पता चला आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेब भाई। वालेकुम सलाम सर, आपका नंबर दिया था हमें आपके दोस्तों ने। दोस्तों नंबर दिया था? हाँ जी। किस दोस्तों नंबर दिया था भाई? मुदस्सर नाम था, मुदस्सर नाम था। हाँ मुजफ्फर, मुदस्सर, मुदस्सर। इतना बुजुर्ग नाम का दोस्त कोई नहीं है मेरा। सर देखो कोई इधर उधर फिर क्या उधर होना है। मुजफ्फर भाई कौन कौन मुजफ्फर, किसने नंबर दे दिया आपको? क्यों दे दिया मेरा नंबर? सर सर मेरी बात सुने, आप ये बताएं आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना? अब भाई दुनियाकार बंदा इंग्लिश सीखना चाहता है तो सबको कॉल करेगा। हाँ तो फिर सर आप बताएं ना, आप आपके मैं बात करूँ अपने सर से, वो आपको गाइड आपका एक्सेंट वगैरह सेट कर देंगे वो। अबे पहले अपना तो करवा ले सर से, तो करीब रहता है उनके, हमारा क्या करवा रहा है। सर सर आप मेरे सर से बात करें ना, वो आपके सारे गिले दूर हो जाएंगे ना। चले आप बात कर दें, वो शायद मुनाफे बात नहीं हो। हाँ सर बात करें। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। या हाउ आर यू सर, इज दिस मिस्टर शुएब? Yes, speaking. Yes, Shweb. I came to know that you want to learn English. Yes, so we have a little package for you, and you can learn English in only 3 months, like a train. You will speak like a train. Excuse me, क्या बोल रहे हैं सर आप? You want to speak in English? सर इंग्लिश तो बोलना चाहते ना, इतनी ऐसी नहीं बोलना चाहते, ये तो ऐसा लग रहा है मैं सर कॉमेडी कर रहा हूँ। No, no. We are the teacher here, and I want every child to learn from me this English. If you want to visit, we are child. Yes. Sir, आप ही सिखाए होंगे English, आप ही सिखाएंगे? Hello. Of course, I am the teacher here. You just have to pay 3,000 rupees. For the admission and 1800 rupees per month, and you will get the admission. We are जो आप बोल रहे हैं। Obviously, it's English, UK, British English, standard accent. सर आप उर्दू बोल लो, आप यकीन मानो मेरी हंसी निकल रही है, मैं आपके सिर्फ रिस्पेक्ट में हंस नहीं रहा हूँ, वरना आप यकीन मानो ऐसी फनी इंग्लिश बोल रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि पता नहीं आपने कहाँ से इंग्लिश सीखी है, किसको पढ़ाते हो, बेचारे वो कौन पढ़ रहे हैं आपसे। I have. What do you have? I have audience of my students. I have many audience. Audience like 1,000 concert type audience of my students, and they see. Sir, लेकिन मानो आपसे मैं 6,000 पे दूंगा, लेकिन आप लेकिन मानो साइड ट्रेन करोगे, जितनी टेंशन चल रही है ना सारी मिटा दोगे आप। आप इंग्लिश नहीं बता, आप हंसाओगे बहुत। I wake up early in the morning. You can talk if you want. You can talk. You can take admission. If I wake up early in the morning for breakfast, and I come here to my institute, and you can take place in my heart if you want to take admission. Very nice. Sir, आप बोलते रहो, लेकिन मानो थोड़ा अच्छा लग रहा है, आपकी इंग्लिश सुन के ऐसा लग रहा है लेकिन मानो दिल गार्डन हो रहा है, अच्छी इंग्लिश है आपकी। कितने साल से पढ़ा रहे हो आप? It's like from 34 years. और आप तक ऐसे ही पढ़ा रहे हो? What do you mean? What do you mean? Are you a spinner? Are you hungry? You are spinning my head. I will very bad for you and for your health. Oh, you are diarrhea. Hello. I can beat you like a wrestler. आप शॉन माइकल हो? I can dissolve you like disprin. I can dissolve you like disprin.
आप कौन सी बुक पढ़ के बस बात कर रहे हो मुझसे, कौन सी बुक पढ़ लो, आपके सामने कौन सी बुक रखी हुई है? I don't have any book. There is this, my mind is a supercomputer and I can take any word from my head and throw it on your face. आप हेड हो, गाड़ी का हेड लग रहे हो मुझे आप, यकीन मानो मैं आपसे पढ़ूंगा, लेकिन यकीन मानो सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए, क्योंकि जो टेंशन चल रही है ना इतनी, ये टेंशन तो आप खत्म कर दोगे, आप इंग्लिश आए ना आए वो बजाय बाढ़ में इंग्लिश ना आए, लेकिन आप जो जो सिखाओगे ना आप। हेलो 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 भाई शुएब, शुएब साहब, शुएब भाई मैं जैन बात कर रहा हूँ, और बाकी मैं खुद अपनी इंग्लिश सुन के रिलैक्स हो गया, मैं बहुत देर से डिप्रेशन में था। आप लोग वही कटाकट वाले हो आप लोग। यार आपने पहचाना कैसे, आपने पहचाना कैसे? अरे आप मैं यकीन मानो अभी दो तीन दिन पहले आपका ना वो क्लिप देख रहा था मोबाइल पे, वो आप लोग ट्रैंक करते हो, उसी से अभी आपने बताया जैन बात कर रहा हूँ, तो वो उसी से मैंने वो किया कि यार ये तो वही है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले चले बस इंग्लिश। रिसेंटली मैंने आपको क्लिप देखा यार, आप लोग बहुत सही काम कर रहे हो यार। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू, आप भी सही काम करो, इंग्लिश सही करो, अपनी इंग्लिश इंग्लिश सीखो। आपने दोस्त को क्यों बोला, आपने मुदस्सर को क्यों बताया? क्या चाहती है इंग्लिश सही हो जाए, लेकिन जिस तरह की आप जो टीचर बने थे ना, ऐसे टीचर मिल रहे हैं सारे, जो इनकी इंग्लिश जो है ना रंगीन सारी। चलो यार अल्लाह करे आपका सही जगह एडमिशन हो जाए, आप सही इंग्लिश सीख लो यार। चलो भाई यार, थैंक यू भाई यार, थैंक यू, थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा इन्होंने कॉल ही काट दी मेरे थैंक यू कम्प्लीट होने से पहले। वैसे ऐसी गुलाबी अंग्रेजी भी होनी चाहिए इंसान की, होनी चाहिए इंसान को रिलैक्स। मेरी भी गुलाबी है, मैं भी गुलाबी हूँ समझो। तो क्या था कि बंदा फनी था, वैसे बंदा वो ज्यादा मजे का लग रहा है, वो प्रॉपर जवाब दे रहा है, कह रहा है अबे आदर दिमाग। वाह 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 वाह। ओके जी, आज की महफिल, आज का शो, आज की बैठक यहीं पे खत्म होती है। इससे पहले कि मैं इजाजत चाहूँ आप लोगों से, आपका साहिल बहुत शुक्रिया, मना है आपका बहुत शुक्रिया, आप दोनों ने टाइम दिया, आप लोग साथ बैठे हमारे और हमारे कटाकट में आप हिस्सा बने और बहुत कमाल काम किया, और अल्लाह ताला आप दोनों को कामयाबियां दें, जो जो आप चाहते हैं वही हो, जो आपके हक में बेहतर, अल्लाह पाक आपके भी शो को भी कामयाबी दे। आमीन आमीन, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपका मनाहिल और साहिल। और आज की महफिल, आज का शो, आज की बैठक यहीं पर खत्म होती है। इंशाल्लाह ताला जिंदगी है तो मुलाकात रहेगी आप लोगों से। आप लोग YouTube पे हमें लिंक दे सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं, हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, इस दिए गए नंबर पे अपनी डिटेल्स भेजें, ताकि हम लोग मजीद कटाकट में आपके दोस्तों, आपके भाइयों, आपके बहनों, जिसका आप यू नो कटाकट बनवाना चाहते हैं, आप हमसे बनवा लें, हम यहाँ मौजूद हैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के प्यार के लिए। आज का शो, आज की बैठक यहीं पर खत्म होती है। शो अच्छा लगा तो अच्छी बात, अच्छा लगा तो खैर है, कोई टेंशन की बात नहीं, फिर आ जाऊंगा। Zen is finally signing from the hot box of Bol Entertainment. God bless you all, God bless Pakistan, and finally, Iman Allah. चले।